वेलकम डियर कैनिस वर्ड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजीव दीक्षित के बारे में, जानी के पूरा नाम राजीव राधेश्याम दीक्षित, भारत के बहुत महान व्यक्तियों में एक थे। वह एक भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता थे। वो गरीब और जरूरतमंद भारतीयों के समर्थक थे। बहुत सालों से बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वह भारतीय स्वतंत्रता के समर्थक थे और भारत में स्वाभिमान आंदोलन, आजादी आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से देश में जागरूकता फैलाने के लिए प्रसारित थे। वह भारतीयों के एक मजबूत आस्तिक और उपदेशक थे। राजीव दीक्षित का जन्म भारत के उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के नाग गांव में 30 नवंबर 1967 को हुआ था। वह स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार में से थे। वह एक भारतीय वैज्ञानिक थे। उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया है। साथ ही वह फ्रांस के दूर संचार क्षेत्र में वैज्ञानिक के तौर पर भी काम कर चुके थे। उन्होंने भारतीय इतिहास के बारे में, भारतीय संविधान के मुद्दों और भारतीय आर्थिक नीति के बारे में भी जागरूकता फैलाने के लिए प्रयास किया। उनके पिता का नाम राधेश्याम दीक्षित था। अपने पिता की देखरेख में उन्होंने फिरोजाबाद जिले के गांव में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद पीडी जैन इंटर कॉलेज से उन्होंने 12वीं की कक्षा की पढ़ाई की। उन्होंने अपनी स्नातन की पढ़ाई की शुरुआत 1984 में की। एम कॉलेज जुमई बिहार से इलेक्ट्रॉनिक और संचार में बीटेक की डिग्री हासिल की। उन्होंने एमटेक की डिग्री भी आईआईटी खंगड़ुगड़ा से प्राप्त की। लेकिन मातृभूमि की सेवा का जुनून हमेशा उनके दिल और दिमाग में रहता था। भारत में लगभग 8000 बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं जो भारत में अपना प्रसार कर रही हैं। उस कंपनी के उत्पादों के लिए भारतीय कड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन सभी उत्पाद उनके देश में बेच दिए जाते हैं। इसलिए उन्होंने स्वदेशी आंदोलन शुरू किया और हर भारतीय से आग्रह किया कि वह स्वदेशी उत्पादों को अपनाए। उन्होंने कोका कोला, पेप्सी, यूनिलिवर और कोलगेट जैसी कंपनियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी और शीतल पेय पदार्थों में जहर होने की बात कही। इसके लिए उन्होंने लंबी लड़ाई भी लड़ी और ये साबित भी कर दिया कि इन पेय पदार्थों में जहर है, इन्हें पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उनका ऐसा मानना था कि इन कंपनियों ने अपने देश में धन को कम कर दिया है, जिससे भारत और गरीब होता जा रहा है। दीक्षित ने सुझाव दिया था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को स्विस बैंक में जमा भारतीय काली संपत्ति को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देना चाहिए। भारत में स्विस बैंक में जमा पूंजी को लाने के लिए अपनी मुहिम में उन्होंने 495 लाख लोगों के हस्ताक्षर को इकट्ठा कर दिया था। 9 जनवरी 2009 को वे भारतीय के स्वाभिमान ट्रस्ट के सचिव बन गए थे। स्वदेशी में उनका विश्वास था। नई दिल्ली में उन्होंने एक स्वदेशी जागरण मंच का नेतृत्व किया, जिसमें 50,000 से भी अधिक लोगों को उन्होंने संबोधित किया। इसके अलावा उन्होंने कलकत्ता में भी विभिन्न संगठनों और प्रमुख व्यक्तियों द्वारा समर्थित आयोजित कार्यक्रम में नेतृत्व किया। उन्होंने जनरल स्टोर को एक ऐसी श्रृंखला को खोलने के लिए आंदोलन किया जहां सिर्फ भारतीयों द्वारा बनाए गए उत्पादों की बिक्री होगी। सभी समय के नागरिक अधिकार नेता, सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में 28वें स्थान पर, सबसे मशहूर व्यक्ति के रूप में 5877वें स्थान पर उनका नाम आता है। राजीव दीक्षित ने कई पुस्तकें लिखी और कई लेक्चर भी दिए, जिनका संग्रह सीडी, एसडी कार्यक्रम इत्यादि से इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से संग्रहित किया जा सकता है, जिन्हें विभिन्न ट्रस्टों के द्वारा प्रकाशित कराया जाता है। ऑडियो रूप में उनकी 1999 में भारतीय राष्ट्रवाद और भारतीय अतीत की महत्ता और ऑडियो कैसेट बनी थी। इसके अलावा ऑडियो में उनके स्वास्थ्य की कथा भी है। पुस्तकों में उनके द्वारा रचित स्वदेशी चिकित्सा, गौ गौवंश पर आधारित स्वदेशी कृषि, गौ माता, पंचगमत चिकित्सा, ये सभी उनकी उपलब्धियों में शामिल है। राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ में हुआ। राजीव दीक्षित का निधन 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के बलाई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से हो गया था। उनकी याद में हरिद्वार में भारत स्वाभिमान बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, जिसका नाम राजीव भवन रखा गया है। उनकी मृत्यु हुई को कई वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उनकी मृत्यु के कारण पर अनिश्चय बनी हुई है कि उनकी मौत का कारण अज्ञात है।